बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं इस कोर्स में आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। और ये हम कंप्यूटर का कोर्स जो करने जा रहे हैं, इसका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये बता दूं कि आप भले एकेडमिक लेवल की किसी की तैयारी कर रहे हैं, आईसीएस में होता है और इसके अलावा बीकॉम में होता है आपका कंप्यूटर, आईकॉम में भी होता है और इस तरह के बाकी जो कोर्सेज़ हैं, तो उसके लिए भी आपका इक्वली मुफीद है। और इसके अलावा आप अगर सिविल सर्विस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के स्पेशली, तो उसमें भी जो कोर्स कंप्यूटर का पूछा जाता है, तो उसमें भी आपका जो हमारा मेन मकसद है इन सारी चीज़ों को एक ही वक्त में कवर करना हो। तो इसके अलावा जो हमारे व्यूअर होंगे जिसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है या जो कंप्यूटर में पहले ही काफ़ी स्किल्ड है, उनके लिए ये कोर्स नहीं, बल्कि ये उन लोगों के लिए है जो कंप्यूटर इतना ज़्यादा नहीं जानते, उनकी फील्ड मुख्तलिफ है, वो सोशल साइंसेस के स्टूडेंट हैं, उनको कंप्यूटर से कोई कभी वास्ता नहीं पड़ा, तो वो जो एस्पिरेंट्स हैं, वो जो स्टूडेंट्स हैं, वो इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। हम बहुत बेसिक चीज़ों से लेके काफ़ी हद तक जो डे टू डे कंप्यूटर यूज़ होता है और इसके अलावा जो इसके मुतालिक सवालात पूछे जाते हैं, वो हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। एक तो आपने नॉलेज बिल्ड करना है, दूसरा आपने इसको कितना मुफीद तरीके से ये कंप्यूटर आपके काम आ सकता है, उसको आप अपनी लाइफ में अपनी आसानी के लिए कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं, तो ये कोर्स आपको फुली हेल्प करेगा, आपकी स्किल इन्हेंस करेगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि कंप्यूटर है क्या। तो कंप्यूटर से है, यह जो गिनती करने वाली चीज़ होती है उसको कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर के आगे टाइप्स वगैरह हम सारी चीज़ें कवर करेंगे, इसकी डेफिनेशन भी प्रॉपर पढ़ेंगे, लेकिन हमें हर एक को पता है कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर हम देखते हैं, पीडीए भी हो सकता है और इसके अलावा लैपटॉप हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकता है, तो कंप्यूटर किसी भी शक्ल में हो सकता है। आजकल जो आपके पास सिंपल सेल फ़ोन होता है वो भी एक कंप्यूटर है, क्योंकि उसमें भी कैलकुलेशंस होती हैं, आप टाइम उस पर कैलकुलेट कर रहे होते हैं, आप उस पर मैथमेटिक्स की कैलकुलेशंस कर सकते हैं, कैलकुलेटर का जो काम कर रहे होते हैं, तो वो भी कंप्यूटेशन का, तो वो भी, लेकिन उसके फंक्शंस की लिमिटेशंस आ जाती हैं। तो ओवरऑल कंप्यूटर क्या है, जो आपको कंप्यूटेशन में हेल्प करता है। तो ये एक मशीन है जो आपको मैकेनिकल वे से आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं और प्रॉपर आप जो उसमें फीडिंग की गई हो, जो उसमें प्रोग्रामिंग की हो, तो जो उसमें आप इनपुट देंगे, आउटपुट उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक अमल करते हुए वो आपको आउटपुट देगा। तो ये भी सादा ही रखें इसको, हम इंग्लिश में आगे चल के इसकी सारी डेफिनेशन वगैरह भी करेंगे। तो कंप्यूटर कहाँ पे इस्तेमाल आजकल नहीं होता, वाई कंप्यूटर्स, हमारी ज़िंदगी में कंप्यूटर कहाँ कहाँ पे नहीं आ गया। अब आपको पता है पहले डिज़ाइनिंग होती थी, ये जो प्रकार की एक शक्ल बनी हुई है, कोई भी डिज़ाइन किसी नक्शा वगैरह बनाते थे तो पहले पेज पे खुद आर्टिस्ट बनाया करते थे या जो डिज़ाइनर थे वो बनाया करते थे, लेकिन अब कंप्यूटर ने उसको बहुत आसान कर दिया। ऑटो कैड वगैरह मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर हैं जिन पर आप वो आसानी से काम कर सकते हैं। इसके अलावा पहले आप राइटिंग करते थे और स्केच वगैरह बनाते थे, जबकि अब ये काम जो है वो कंप्यूटर ने करना शुरू कर दिया। पहले जो है सिर्फ टेलीफोन से कम्युनिकेट करते थे, अब इंटरनेट वगैरह जो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करके आप कोई भी जो है एप्लीकेशन यूज़ करते हुए एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके अलावा पहले पेपर रिटन नोट्स वगैरह होते थे, अब कंप्यूटर पर सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होती है। पहले टाइप राइटर होता था, अब वो टाइप राइटर ख़त्म हो चुके हैं, आप कंप्यूटर पर वही टाइपिंग और प्रिंटिंग का काम कर रहे होते हैं। पहले कोई डिज़ाइनिंग वगैरह जो करना होती थी उसको काट छांट करने के बाद उसकी डिज़ाइन बनाया जाता था, जबकि अब कंप्यूटर जो है आपको सारी इंस्ट्रक्शन देता है कि किस चीज़ को कितना काट के आप उसका डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये सारी की सारी आपको कंप्यूटर के इतने सारे फंक्शन होंगे और मैनी मच मोर। इधर हम पूरे जो है एक महीना भी लगे रहे हैं तो हम उसकी एरिया को कवर नहीं कर सकते कि कंप्यूटर किस तरीके से हमारी ज़िंदगी में आ चुका है और किस किस फील्ड में कितने मुफीद तरीके से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये छोटी सी चंद एक एग्जांपल हमने दी,
अगर पहले कंप्यूटर की तरफ जाएं तो पहला कंप्यूटर कुछ इस तरीके से था, एक पूरा बहुत बड़ा कमरा था जिसमें सारे के सारी मशीनरी थी और उसको इस तरीके से ऑपरेट किया जा रहा था। जबकि आज का कंप्यूटर आप देख लें, छोटा सा स्मार्टफोन भी आपका एक जो कंप्यूटर है, ये पीडीए आप लेते हैं, वो सारे का सारा नोटबुक टाइप जो होती है वो आपके हाथ में एक पूरा कंप्यूटर आ जाता है। इसके अलावा मोस्ट पीपल्स कंप्यूटर के फंक्शंस क्या हैं और कंप्यूटर किस तरीके से लोग परसीव करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, तो हम इसके इंट्रोडक्शन में ही ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी देखते हैं, जो बेसिक इंतहाई बेसिक चीज़ें। अगर आपने पुराना डेस्कटॉप कंप्यूटर देखा हो तो सबसे पहले तो ये आपने देखा होगा जिसको हम सीपीयू कहते हैं, और इसमें आगे फर्दर जो पार्ट्स होते हैं, यहाँ पे फ्लॉपी होती है, डिस्क ड्राइव जो होते हैं, इसके अलावा इसके ऊपर जो होता है वो सीडी रोम होता है या डीवीडी रोम होता है, जिसमें आप सीडी या डीवीडी डाल के उसको प्ले करते हैं, वीडियो होती है या ऑडियो में कोई प्ले कर सकते हैं, और इस पूरे बॉक्स को हम कंप्यूटर भी कह सकते हैं या सीपीयू आप कह सकते हैं। इसके अलावा ये आपका मॉनिटर होता है, और इसके सामने वाली ये जो स्क्रीन है इसको आप सीआरटी का नाम देते हैं, कैथोड रे ट्यूब। सीआरटी अक्सर एग्जाम में आ रहा है क्वेश्चन, सीआरटी स्टैंड फॉर, तो ये है कैथोड रे ट्यूब। इसके अलावा जो एक होता है कीबोर्ड होता है, इस पे आगे चल के हम सारी डिटेल में पढ़ेंगे कि कीज़ कौन कौन सी हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं। और इसके अलावा ये एक जो है आप जानते ही होंगे, बेजान माउस है जिससे हम ऑपरेट करते हैं और कमांड देते हैं कंप्यूटर को। तो इनसाइड बॉक्स जो हमने देखा है, सीपीयू जिसको हमने कहा, तो उसमें आगे चल के मदर बोर्ड होता है। जैसे एक घर में माँ का क्या फंक्शन होता है, वो सारे के सारे रिश्तों को जोड़ रही होती है, क्या करती है, उसका जो हस्बैंड होता है उसके हस्बैंड के पेरेंट्स फर्क किए होते हैं, और अपने जो बच्चे होते हैं, बहन भाई जो आपस में होते हैं, हर एक को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करती है और सबको लिंक करती है। तो इसी तरीके से आप ये समझ लें कि ये भी एक इस तरीके से कंप्यूटर में एक जो मदर बोर्ड होता है वो एक प्लेटफॉर्म देता है, जो कंप्यूटर के मुख्तलिफ पार्ट्स उस पर लगा कर और उनमें वो फंक्शनिंग और लिंक पैदा करते हैं, और एक प्लेटफॉर्म देता है जिससे आपस में सारे के सारे पार्ट्स कोहेरेंट तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो आप मदर बोर्ड को इस तरीके से याद रख सकते हैं। उसके बाद सीपीयू जो है, इसका ये स्टैंड फॉर इम्पॉर्टेंट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। तो ये सीपीयू जो है इसका इस तरह से आप इसकी शक्ल देख सकते हैं, आजकल सीपीयू उससे भी छोटे होते जा रहे हैं। और ये एसएमएम है जिसको सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल कहते हैं, रैम भी कहते हैं जिसको। और इसके अलावा ये एचडीडी है, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव, जिस पे आपका सारा डाटा स्टोर होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। और ये पावर सप्लाई है जिससे ये कूलिंग सिस्टम और उसको पावर भी मिलती है जो, और इसके अलावा ये फ़ैन होता है, इसको अंदर से कूल कर होता है, जब आप कंप्यूटर को चलाते हैं तो ये चलना शुरू हो जाता है और इसको ठंडा करता है, इसकी जो वर्किंग होती है। ये इसकी शक्ल है, पावर सप्लाई। इसके बाद है स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर की, अगर हम डायग्राम देखें तो सीपीयू में किस तरीके से फंक्शनिंग हो रही होती है आप देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा श्रिंक कर देता हूँ। तो ये जी हमारा कंप्यूटर है, और यहाँ पे इसके सामने स्पीकर्स होते हैं और मॉनिटर जब आप उसको लिंक करते हैं, और ये आपकी कमांड्स होती हैं बसेस, ये यहाँ पे रैम अटैच की जाती है, सीपीयू ये फंक्शन कर रहा होता है, यहाँ पे आपने मॉनिटर लगा के उसको लिंक करते हैं, और ये पोर्ट्स होती हैं जहाँ पे प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, मोडेम वगैरह आप अटैच कर सकते हैं, और ये डिस्क कंट्रोलर, ग्राफिक कार्ड वगैरह और साउंड कार्ड, नेटवर्क कार्ड, ये सारे के सारे अंदर मदरबोर्ड पे लगे होते हैं। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है, आगे चल के इसकी मज़ीद हम डिटेल पढ़ेंगे। और इसकी अगर हम कुछ एग्जांपल देखें तो ये भी कंप्यूटर है, पीडीए टाइप है, छोटा है कंप्यूटर है, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर है, और ये भी एक ऑफिस में कंप्यूटर है। इसके अलावा कंप्यूटिंग इज़ मच मच मोर, सिर्फ ये कंप्यूटिंग नहीं, कंप्यूटिंग के इसके अलावा बहुत सारे ज़्यादा फंक्शंस हैं। तो मोबाइल भी कंप्यूटिंग का रोल अदा कर रहा होता है, आप देखें ये बहुत पुराना मोबाइल होता था, ये पीडीए जो मैं बार बार नाम ले रहा हूँ, ये भी छोटे सेल फ़ोन हैं,
दोनों काम करते हैं, और ये भी ये मुख्तलिफ़ किस्म के डिवाइसेस हैं जो अल्टीमेटली कंप्यूटर का काम अदा कर रहे थे। इसके अलावा हम कुछ आउटपुट डिवाइसेस की अगर बात करें तो आउटपुट और इनपुट दो आपके लिए बड़े मेन होते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस आगे चल के पढ़ते हैं। आउटपुट डिवाइसेस वो होते हैं जिस जो कंप्यूटर से हम काम लेना चाहते हैं और वो हमें मुहैया करता है। फर्स्ट कि आप कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, कोई मूवी देखना चाहते हैं, कोई प्रिंट लेना चाहते हैं, तो आपके हाथ में जो प्रिंट आता है, जो आप स्पीकर से साउंड लेते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, नात सुनते हैं, तिलावत सुनते हैं, कुछ भी, तो आपके लिए वो क्या है, आउटपुट है। साउंड, वीडियो, डिस्प्ले, स्केच, डायग्राम, कुछ भी जो है वो आपके लिए आउटपुट होता है जो आपको नज़र आता है। इनपुट डिवाइसेस की अगर बात की जाए तो इसमें जो कमांड देने के लिए यूज़ होते हैं वो माउस की मुख्तलिफ फॉर्म्स हो सकती हैं। इसके अलावा आपके जो अक्सर कीबोर्ड के ऊपर एक टच वाला हिस्सा होता है और लैपटॉप पे हर एक के होता है, तो उसको जब आप टच करते हैं और कमांड्स वगैरह देके इनपुट कमांड्स उसको देते हैं, तो ये आपके सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर को अल्टीमेटली इंस्ट्रक्शन देने के लिए या इनपुट देने के लिए, जो अल्टीमेटली प्रोसेसिंग के बाद आपको आउटपुट देता है। इसके अलावा कुछ और भी कंप्यूटिंग है, ये रोबोटिक सिस्टम जितने भी आजकल इंट्रोड्यूस हो रहे हैं वो सारे के सारे। और इसके अलावा आप स्पेस में जाते हैं या कहीं पे भी आपने देखना है, या आजकल कंप्यूटर जो होते हैं आप अभी मुझे सही तरीके से नाम नहीं याद आ रहा, आप कहीं पे ड्राइविंग करना चाहते हैं या इमेजिनरी एरोप्लेन चलाना चाहते हैं, तो वो भी एक आपको कंप्यूटर जो है एक ऐसा एनवायरनमेंट मुहैया करता है जिससे आप यही फीलिंग करते हैं कि आप जैसे हकीकत में उसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कंप्यूटर के बहुत ज़्यादा फंक्शन हैं ओवरऑल हम अगर बात करें तो। आजकल की जितनी आपकी वॉशिंग मशीन्स वगैरह हैं वो भी डिजिटल टाइप आ गई हैं, आप उनको कमांड दे देते हैं और उसी तरीके से वो उन्हीं इंस्ट्रक्शन के मुताबिक अपनी फंक्शनिंग करना शुरू कर देती है। इसके अलावा आजकल की जो गाड़ियाँ हैं उनमें भी कंप्यूटर ऑटोमेटिकली जो है वो EFI सिस्टम जिसको कहते हैं वो इंस्टॉल होता है, वो ऑटोमेटिकली आपकी जो है वो एरर भी बताता है और इसके अलावा वो कंट्रोल भी करने में आपको बड़ा हेल्पफुल साबित होता है। मतलब सिंपली आप उनको दो, एक ब्रेक और एक एक्सेलरेटर से कंट्रोल करते हैं। तो ये कंप्यूटर बेस्ड होती है जिनको हाइब्रिड भी अक्सर कहते हैं, वो हाइब्रिड तो मिक्स होती है और जो टोटली होती है EFI सिस्टम पर दूसरी होती है। अच्छा, तो यहाँ पर ये गाड़ियों की एग्ज़ाम्पल अगर हमने की, तो इसके अलावा बाकी आपके पास डिजिटल वॉच वगैरह वो भी कंप्यूटर के तौर पे आप उसमें कमांड वगैरह और जो स्मार्ट टाइप होती है उसमें कुछ फंक्शन लिमिटेड होते हैं, लेकिन ये वो भी आपका एक कंप्यूटर का फंक्शन अदा करती है। तो इसके लिए अलावा भी कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें, आज हमने सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन पे बात की है और बेसिक बातें की हैं, थोड़ी सी बातें की हैं। आगे चल के हम मज़ीद इन पर काफ़ी सारी बातें करते रहेंगे, हर एक पार्ट को मज़ीद डिटेल में भी पढ़ेंगे, और चलते चलते हम कंप्यूटर को यूज़ करना, MS ऑफिस, एक्सेल, ये वो सारे जितने ऑफिस के एप्लीकेशन हैं उनको यूज़ करना, उनकी कमांड्स क्या हैं, उनके शॉर्टकट्स की क्या हैं। इसके अलावा एग्ज़ाम में जो नॉर्मली क्वेश्चन आ रहे होंगे वो मैं साथ साथ में आपको कवर भी करता जाऊँगा, बताता भी जाऊँगा। आपका इंटरेस्ट भी कायम रहना चाहिए, आप लर्निंग के मोड में बैठे रहें, आपकी सारी चीज़ें ऐसे तरीके से कवर हो जाएंगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाएगी और आपकी स्किल भी इनहेंस होगी। तो मुझे आज इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर के जो है फीडबैक आपने ज़रूर देना है कि आपने कुछ इससे लर्न किया या नहीं किया, और हम इसको मज़ीद आगे लेके चलेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।